झाबुआ के एसडीओपी कार्यालय पर एडमिन भारतीय शूद्र नामक युवक अजीब वेशभूषा में एसडीओपी के पास हाथों में संविधान बुक और तिरंगा लेकर अपनी शिकायत लिखाने पहुंचा। इस दौरान युवक ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि मैं सालों से न्याय के लिए भटक रहा लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। एडमिन भारतीय शूद्र नामक युवक ने एसडीओपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस व्यवस्था पर सवाल या निशान उठाते हुए कहा कि पुलिस माफिया और बदमाशों को संरक्षण दे रही है। मैंने थाने में लगभग 18 प्रकरण दर्ज करवाए, इनका सालों से कोई निराकरण नहीं हुआ है। पुलिस अधिकारी थाने में मात्र शिकायत लिखते हैं और उसका कोई निराकरण नहीं करते हैं। भूमाफिया ने मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया जिसकी मैंने थाने में शिकायत लिखाई थी, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। मामले के लिए जब मैं थाने में आता हूं तो मुझे भगा दिया जाता है और मेरा फोन नहीं उठाया जाता है, जिसके चलते मैंने केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री, भू राजस्व मंत्री, आईजी, एसपी समेत कलेक्टर तक शिकायत और ज्ञापन सौंप कर न्याय की मांग की है। जनसंपर्क के लोग बैठे होंगे, आज मैंने बिठाया यहां भी और वहां भी। जमाना बदल गया है, हर चीज प्रभावी ढंग से जनता के बीच में जाना चाहिए। और मैं विभागों को भी कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा है, अभी भी मैं कह रहा हूं, इसको गंभीरता से लीजिए। अगर कोई खबर छपी तो हमें क्या लेना देना, शिवराज सिंह चौहान जाने या मंत्री जाने। आपके विभाग की गड़बड़ छपी है कोई खबर तो आपकी ड्यूटी है, या तो आप बताइए कि वो खबर गलत है, और अगर गलत नहीं है तो फिर एक्शन लीजिए, और नहीं तो मैं एक्शन ले लूंगा। कई बार छोटी छोटी चीजों के लिए मैं जोड़ता हूं, कोई भी चीज अनदेखी नहीं रहनी चाहिए। खबर पढ़ो और देखो। अभी मैंने देखा भोपाल में नगर निगम में कहीं छोटी सी बात है, लेकिन आई वो 500 रुपया ले लिए, फलाना कर लिया, ढिमका कर लिया। अब इस पे आप ध्यान नहीं दोगे, कौन ध्यान देगा? जब भी ऐसी खबर हो तो विभाग की बत्ती तुरंत जल जाना चाहिए, गड़बड़े और तुरंत पकड़ो। इसके बिना चीजें ठीक नहीं होती। फिर अच्छी चीज की मार्केटिंग करो ना आपकी। कई चीज अच्छी कर रहे हैं लेकिन हम स्थित प्रज्ञ जैसे हो जाते हैं, हमें क्या लेना देना। हर एक डिपार्टमेंट के अच्छे कामों का प्रचार प्रसार आपकी ड्यूटी है, जिले में अच्छे काम हो रहे हैं आपकी ड्यूटी है, नवाचार कर रहे हैं जनता में आए आपकी ड्यूटी है। अभी पुलिस के मित्रों ने बहुत अच्छा किया कि उन्हें कार्रवाइयां भी की और सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। अब आप नहीं डालोगे तो कौन डालेगा साहब? आप अच्छा कर दो, डालो ना, इस माध्यम का पूरा उपयोग करो ना, जिससे अच्छी चीजें भी लोगों के बीच में जाए। गड़बड़ है तो एक्शन, और नहीं है तो फिर सोशल मीडिया और मीडिया पर पूरी ताकत के साथ खंडन करो। जो चीज हम कर रहे हैं वो ढंग से प्रचारित होना चाहिए, लोगों के दिल दिमाग में बैठना चाहिए। ये केवल जनसंपर्क की जवाबदारी नहीं है, आप सबकी जवाबदारी है। और मुख्यमंत्री अगर कोई ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पर कोई बात कहते हैं, अच्छी चीज कोई हो रही तो श्रृंखला होनी चाहिए। जिले से भी ट्वीट हो, फेसबुक पे आए, इंस्टाग्राम में आए, ये इनसे दूर रहने का युग अब चला गया। ये नहीं हो सकता कि हमें क्या करना है, ऐसा हमको ही करना है। इसलिए इसमें बहुत अवेयर रहे, सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करें। सर मेरा परिचय दे दूं, मैं एडविन भारतीय शूद्र, भारत के संविधान और भारत के कानून में पूरा आस्था है और मैं भारतीय होने पर मुझे गर्व है। मेरी 18 शिकायत यहाँ पे पेंडिंग है, 2-3-4 साल से पेंडिंग है। ना तो ये FIR लिखते हैं और जब भी आता हूँ मेरे को भगा दिया जाता है, और ना गिरफ्तारी सामने वालों की जा रही है। भू माफियाओं के द्वारा मेरी पत्नी की जमीन पे अवैध तरीके से, जबकि जब मेरे पास स्टे ऑर्डर कमिश्नर ऑफिस का था, फिर भी उन्होंने स्टे बिना वो स्टे देखे हुए कचरे के डब्बे में फेंक के उस पर कब्जा दिला दिया। अंबेडकर साहब की जो मूर्ति थी, अंबेडकर जो भारत के संविधान के निर्माता, भारत रत्न, जो लोगों के लिए सिर्फ भारत संविधान के निर्माता है लेकिन हमारे लिए देवता है, उनकी मूर्ति तोड़ ताड़ के कचरे के में फेंक दी गई है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। मजबूरी के कारण हमको फिर भी हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो भू माफिया और बेनामी संपत्ति वालों के खिलाफ जो मुहिम छेड़ रखी है, लेकिन इनके अधिकारियों द्वारा उसको पलीता लगाया जा रहा है। और भू माफिया और बेनामी संपत्तियों वालों के संग मिलके भारी भ्रष्टाचार किया जा रहा है।
अवैध रूप से रजिस्ट्रियां भी कराई जा रही है, अवैध रूप से आदिवासियों की जमीन पे सामान्य भूमाफियाओं के संग मिलके और अधिकारियों के संग मिलके कब्जा किया जा रहा है। आपने अभी तक कहाँ कहाँ आवेदन दे दिए? मैंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के राजस्व मंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, एसपी, कलेक्टर, इन सभी को मैंने दिया, थानों पे भी और एसडीओपी मैडम को भी दिया है। और मेरा फोन नहीं उठाते, मेरे को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। आपका नाम बताएं? मेरा नाम एडविन भारतीय शूद्र। झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।